So, good morning, everyone. So, myself, Kumar sir, and basically I am here to welcome you to class 11th. आप अपने class 11th की journey को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और ये बड़ी important journey है life की. थोड़ा हम इस journey के through रास्ते में क्या मिलने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे. अपने आज के पहले chapter के बारे में बात करेंगे. एक बताएंगे कि ये physics जो है ना, ये physics का हवा या physics को लेकर के जो fear factor होता है, वो क्या है? और क्यों ये सबसे आसान सब्जेक्ट है आपके इस पूरे करिकुलम का. अगले दो साल की जर्नी में इकलौता सब्जेक्ट है जो हमेशा साथ देगा, चाहे आप कोई एग्जाम बैठ जाओ. तो आज हम लोग एक सबसे भरोसेमंद साथी के बारे में पढ़ने वाले हैं. इस पे आप कभी भी ट्रस्ट कर सकते हो, 9-10 में जो भी आपने पढ़ा हो, लेकिन हमेशा हम लोग इस पे ट्रस्ट जरूर कर सकते हैं. दैट्स वाई ये हमारा एक भरोसेमंद साथी है, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं कैसे. So first, let me introduce myself. So, काफी लोग मुझे जानते भी होंगे, मिले भी होंगे. So myself, Kumar Saurabh, I basically teach physics. और मैं BTech हूँ mechanical engineering में NIT पटना से, ठीक है? मैं physics faculty हूँ और operations head भी हूँ बिहार का. और I have ultimate love for physics, ठीक है? Because मुझे लगता है कि physics एक emotion, ठीक है? Physics एक emotion है. जिसको आप सीधे सीधे फील कर सकते हो. यू डोंट नीड टू स्टडी, आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है. फिजिक्स में अगर मैं आपको कुछ रट लेना है, इट्स नॉट लाइक दैट. फिजिक्स इमोशन है, फीलिंग है. आगे बढ़ते तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात होती है कि लोग मेरे से पूछते हैं हमेशा, मैं आई डोंट लाइक इट सर, व्हाट अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स क्या है ये तो बता दो, ठीक है? अच्छा, एक बात और बच्चों, मैं इसको इसके पहले मैं कर दूं, ठीक है? एक मेरा अपना रूल है कि पार्टिसिपेंट्स अपने सही नाम से ज्वाइन करें, ठीक है? विदाउट फेलिंग पार्टिसिपेंट्स मस्ट ज्वाइन विद योर करेक्ट नेम्स. आप अपने आप को रीनेम कर लो और सही नाम से ज्वाइन कर लो बच्चों. तो मैं आपका नाम क्या लूंगा, गैलेक्सी 320, 820, अच्छा लगता है क्या नाम? गैलेक्सी 820, आपका ऑडियो भी, कॉल ऑडियो भी ऑन नहीं है. अगर आप अपना नाम सही लिखोगे तभी हम आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, रितेश, समीर, काफी लोग कॉल ऑडिबल, खैर ठीक है. तो हर सबको मेरे से कहता है कि सर क्लास शुरू करो ना तो पहला दिन फिजिक्स भी पढ़ाओ. तो मैं थोड़ा फिजिक्स के बारे में बताता हूँ, फिजिक्स क्या होता है. और 8-9 में भी आपने पढ़ा. बेसिकली फिजिक्स कुछ नहीं है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर. अगर मैं बताऊं ये अगर इसके बारे में मेनली, तो ये बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी है, मैटर एंड एनर्जी है. और अगर इसको इसका अगर मैं मीनिंग के देखने और पूरे इसका लैंग्वेज देखूं, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी. मैं अगर इसको और सिंपल कर दूं तो ये नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है. ये जितने भी एनर्जीज इन्वॉल्व्ड है उसके तरफ बात करता है. तो बेसिकली अगर फिजिक्स को स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी कहते हैं तो काफी होगा इसके लिए, ठीक है? हर चीज में फिजिक्स है, हर चीज में फिजिक्स है. मान लीजिए ये इसका लेंथ है, लेंथ भी इसका एक फिजिक्स है, ठीक है? इसका लेंथ भी एक फिजिक्स है. मान लीजिए चल रहा है, कितनी एनर्जी है इसके पास, ये भी इसका फिजिक्स है. तो फिजिक्स बेसिकली हर मैटर और एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट को हम लोग कहते हैं. और ये नाइन्थ से हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. लेट्स गो बियॉन्ड दैट कि आपको क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स क्या पढ़ना है. तो आप देखोगे आपको फिजिक्स, जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है जो एडवांस लेवल में स्टडी है, हर फिजिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ना होगा. यानी कोशिश की जाती है कि 12th लेवल पे आपसे फिजिक्स की कोई चीज ना बचे. तो मैं एक बार आपको फिजिक्स के सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है. देखते हैं, लेट्स सी. मैं आपको क्लास 11th के सिलेबस की तरफ लेके जा रहा हूं और बच्चों ध्यान से देखना, यहीं से इंटरेस्ट डेवलप होगा. मैं देखो क्लास 11th का सिलेबस फिजिक्स का, देखो फिजिक्स का क्लास 11th का सिलेबस शुरू होता है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स. आप बोलोगे सर आशीष सर यही पढ़ाए, कल इनइक्वालिटी सर ने पढ़ाया. दूसरा बोलोगे सर सुनील सर की क्लास यही लगी है. और तीसरा बोलोगे सर आप भी पढ़ाओगे. बिल्कुल यही पूरे साल का बेस है, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स. इसमें से पोर्शंस क्या क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, और साथ साथ आपका ये वेक्टर्स भी मैं पढ़ाऊंगा दो चैप्टर, और तीसरा कैलकुलस जो अभी सुनील सर जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसको लेके जाएंगे मैथमेटिकल्स.
दूसरा आता है हमारा यूनिट टू एंड यूनिट थ्री, जिसको कहते हैं मैकेनिक्स। इसको प्रॉपरली एक ही मैकेनिक्स कहते हैं। अगर मैं फिजिक्स के लिहाज से बात करूं तो ये एक मैकेनिक्स है, लेकिन ये आपने पढ़ा है पहले कभी? बिल्कुल पढ़ा है आपने, क्लास नाइन्थ का चैप्टर कितने लोगों ने मोशन पढ़ा? हैंड रेस करते रहना, मोशन, मोशन, गुड। काइनेमेटिक्स उसी को कहते हैं भाई, काइनेमेटिक्स उसी को कहते हैं। दूसरा लॉज ऑफ मोशन, फोर्स पढ़ा है ना तुमने, फोर्स पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वेरी गुड। एट्थ में फ्रिक्शन पढ़ा है आपने, एक्सेलेंट। सब तो पढ़ रखा है, वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ रखा है, ग्रेविटेशन भी पढ़ रखा है। ये सब नाइन्थ क्लास के टॉपिक्स हैं, कुछ नया नहीं है, सब नाइन्थ के टॉपिक्स रिपीटेड हैं। तो बेसिकली, और एक नाइन्थ में साउंड वेव्स भी पढ़ा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इलेवेंथ का सिलेबस नाइन्थ का ही एक्सटेंशन है। नाइन्थ में जो आपने पढ़ा उसी को हम आगे जाके पढ़ रहे हैं, तो नाइन्थ इंपॉर्टेंट होगा। तो रिविजन कहाँ से शुरू करना है? नाइन्थ से शुरू करना है। नाइन्थ के टॉपिक्स एक बार लगा के एक दिन में चैप्टर सॉल्व कर गए। दूसरा आते हैं क्लास ट्वेल्थ के तरफ। सब स्लाइड मिलेगा आपको, ये सब चीजें लिखने को नहीं कह रहा हूं मैं। क्लास ट्वेल्थ पे आते हैं। क्लास ट्वेल्थ को आप अपने क्लास टेंथ से रिलेट कर सकते हो। क्या अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े थे? क्या स्पेलिंग गलत है? ये ली होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था हमने। तो पहला यूनिट जो है वो पहला यूनिट बात करता है चार्ज के बारे में, वो भी हमने बेसिक पढ़ा है चार्ज। और दूसरा यूनिट, दूसरा फ्लो करता है फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। अगला यूनिट देखते हैं मैग्नेटिज्म, ये भी पढ़ रखा है भाई, टेंथ में मैग्नेटिज्म पढ़ा है आपने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपने पढ़ा है। लाइट, रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, ये भी क्लास टेंथ में पढ़ रखे हो, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने एटमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ रखा है, रदरफोर्ड मॉडल, नाइन्थ में पढ़ा है ना, कितने लोगों ने पढ़ा है बता दो जल्दी से। रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, एटलीस्ट हैंड रेस कर दो कुछ तो भाई, बताना चाहता हूँ कुछ नया नहीं है जीवन में। चलो, सबके हाथ हैंड रेज हो गए, मतलब आज के बाद याद रखना है कि भले ही साल नया है, चीजें सब वही है, उसी को एक्सटेंड करना है। तो पढ़ाई नई नहीं है, पढ़ाई पुराने का ही एक्सटेंशन है, ठीक। चलो, सबके अब हैंड रेज कर लो, खत्म कर लो। थोड़ा सा हम आपको एक और एनालिसिस की तरफ लेके जा रहा था, क्योंकि आपके अंदर का डर फिजिक्स को लेकर खत्म होना बहुत जरूरी है, और फिजिक्स का एक सच्चा पिक्चर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स लुक एट टू ऑफ द ब्रॉड एग्जाम्स, ठीक है, दो बड़े एग्जाम्स के तरफ मैं आपको नजर। एक एग्जाम जो बात करते हो जेई मेंस, और दूसरा बात करते हो नीट, तीसरा एग्जाम होता है बोर्ड्स, तीन एग्जाम होते हैं। तो मैं सबसे पहले जेई मेंस की बात करता हूँ, ठीक है। जेई मेंस का अगर आप पूरा देखो तो मैंने पूरा पेपर वाइज एनालिसिस किया, छह एग्जाम कुल मिला के हुए थे, कुल मिला के छह एग्जाम साल में एक बार में हुए थे, जेई के छह दिन एग्जाम हुए थे। अगर आप छो पेपर का हिसाब किताब देखो तो एक ट्रेंड बनता है। ट्रेंड क्या कहता है कि जो चैप्टर छोटे हैं वो हाई वैल्यू के हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दिन दो दिन में पढ़ करके जो दो क्वेश्चन बनाते हो, किसी को तीन महीने पढ़ के बनाते हो, ठीक। तो आपका जो आखिरी के जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स की, ये सब छोटे छोटे चैप्टर थे, लेकिन तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखना, इलेवेंथ में 30 में से 15 क्वेश्चन आए हैं, और ट्वेल्थ में भी 30 में से 15 क्वेश्चन आए हैं, यानी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब क्या है, आईआईटी जेई में हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। तो पहला चीज जो अभी सीखना है वो ये है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। इलेवेंथ में एक चैप्टर इलेवेंथ ट्वेल्थ में छोड़ोगे तो आपका सीधा सीधा नुकसान होगा। ऐसा नहीं है पुराने जमाने की तरह कि चुन करके कुछ टॉपिक्स पढ़ के एग्जाम में सिलेक्शन जाएगा, नहीं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज इज द की। हर छोटे छोटे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्वेल्थ का अगर देखूं थोड़ा सा, ट्वेल्थ में क्योंकि ट्वेल्थ का सिलेबस इलेवेंथ के ऑलमोस्ट 60% है। इलेवेंथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, ट्वेल्थ का सिलेबस कम है, लेकिन इक्वेलेंस उसका भी उतना ही है। तो इलेवेंथ ट्वेल्थ इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। थोड़ा मैं नीट की तरफ जाना चाहता हूँ, ये सब आप गौर से देखना एक बार, ये सब घर पे बैठ के देखना है स्लाइड्स। थोड़ा नीट का एनालिसिस करता हूँ। ये नीट वाले कितने लोग बायोलॉजी लेना चाहते हैं, मुझे हैंड रेस करेंगे क्या? कितने लोग बायोलॉजी लेना चाहते हैं? चलो हैंड रेस करो जल्दी से। कितने लोग बायोलॉजी लेना चाहते हैं? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं बायोलॉजी लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं बड़ा सीधा सवाल कहता हूँ, कितने लोग इसमें नीट के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं? नीट मतलब मेडिकल के लिए, कितने लोग?
कितने लोग लगता है कि ट्राई तो करना चाहिए, मतलब मेडिकल के एग्जाम, ठीक, काफी लोग हैं एंड्रेस कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि सबको सबको आपको हर किसी ने फिजिक्स को लेके ही बताया होगा कि टेंशन तो सिर्फ एक है, वो है फिजिक्स। अब मैं दिखाता हूं कि फिजिक्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। फिजिक्स का एक बार पेपर देखने की कोशिश करें, तब समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन आता है। गौर से देखिएगा, ये 11th के सिलेबस से जो क्वेश्चन आया था, अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि हर चैप्टर से जो क्वेश्चन आए वो ज्यादा से ज्यादा थियोरेटिकल और डेटा बेस्ड रहते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन की मात्रा इतनी नहीं है, याद रखिएगा। कैलकुलेटिव का मतलब मैं मान ले रहा हूं आपके लिए टफ, बायोलॉजी वालों के लिए, क्योंकि बायोलॉजी वाले कैलकुलेशन से भागना चाहते हैं, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की मात्रा जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल रेशियो, तो ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस अच्छे से कवर करना है। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर्ड और रिविजन है तो फिजिक्स में आपको नीट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। थोड़ा 12th का भी देखें, सेम सिचुएशन। मैं एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकता हूँ कि आज के समय का आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछोगे तो फिजिक्स इज द इजिएस्ट। फिजिक्स पहले तो इजिएस्ट है, ऐसा मैं आपको 10 साल पहले नहीं कह सकता था। 10 साल पहले केमिस्ट्री वॉज द इजिएस्ट, लेकिन आज के समय फिजिक्स हैज बीन द इजिएस्ट फॉर जेई एज वेल एज नीट, ठीक है। बायोलॉजी को आप थोड़ा इजी और इसे मान सकते हो। याद रखिएगा कि फिजिक्स ही दोनों में, तीनों में डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कह सकता हूं कि तीनों किसी भी एग्जाम में फिजिक्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर। एक तीसरा चीज भी होता है, वह बोर्ड्स। बोर्ड्स में पिछले 10 से 15 सालों में फिजिक्स के पैटर्न में या क्वेश्चन के मोड में कोई फर्क नहीं आया है। फिजिक्स के बोर्ड्स के एग्जाम में याद रखिएगा 70% थ्योरेटिकल होगा, 70% थ्योरेटिकल, और 30% ही न्यूमेरिकल्स के करीब होगा। उल्टा हो जाता है बोर्ड्स में। तो अभी का जो सिलेबस सिंक किया गया है, याद रखना है कि ऐसा सिलेबस सिंक किया गया है कि आपको दोनों की तैयारी साथ में होगी, बोर्ड्स के भी और जेई नीट के भी। ये सिलेबस सीबीएसई ने बनाया, जो एक में अच्छा करेगा वो दोनों में अच्छा करेगा, क्योंकि थ्योरी को पकड़ के रखना है और न्यूमेरिकल्स उसके बेसिस पे सॉल्व करना, लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं, एनालिटिकल, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब एक बार मुझे हिट कर दिया वैसे क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू बिलीव जेई के लिए मैं बताऊं, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो दो लाइन में बन गए सॉल्व, दो लाइन में सॉल्व कर गए, लेकिन दो लाइन में तभी बनेंगे जब दिमाग में हिट करेगा। दैट्स इट, ये था पूरे फिजिक्स की कहानी। अब थोड़ा चैप्टर पे भी बात कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कई लोगों ने डेमो में मेरे से मिले थे तो कई लोगों को ये चीजें नजर आई होंगी, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। थोड़ा इसके बारे में बता दूं, ठीक है, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2-3 पॉइंट। पहला, बेसिक्स फॉर फिजिक्स है, ये बेसिक्स फॉर फिजिक्स है, बेसिक्स फॉर फिजिक्स हर चैप्टर में काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक्स फॉर फिजिक्स। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ठीक है, कि 1 से लेके 2 क्वेश्चन ये जेई में आ सकता है और ये 1-2 लाइन में बन जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन इससे नीट में आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा रटाया क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 6 से 7 लेक्चर में हम इस पे हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और आपको लगेगा कि फिजिक्स इससे कितना इजी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी, यूनिट्स एंड डायमेंशन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कहानी शुरू करूंगा अपने फर्स्ट टर्म, वो है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। मुझे कोई क्लास में बताएगा क्या ये क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। एनीवे, चैट में बताओ, चैट में चैट बताओ, बहुत अच्छे, मैंने चैट देखा नहीं वैसे, चैट प्लीज गो अहेड इन चैट। फिजिकल क्वांटिटीज का आपके दिमाग में क्या मतलब निकल के आता है? एनीवन, फिजिकल क्वांटिटीज एक शब्द है, इसका क्या मतलब निकल के आता है?
those quantities which can be measured easily. Shreyans, excellent. Shreyans ने कहा कि those quantities which can be measured. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सिंपल टर्म्स में शेप साइज एंड मेजरमेंट हो जिसके पास, बिल्कुल सही उज्ज्वल, ये भी कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो. कोई और पहले क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, आयुष, वेरी गुड, सेम चीज श्रेयांस ने भी कहा. ठीक है, तो अभी तक जो आपने बोला फिजिकल क्वांटिटी, वर्ड्स में अगर कहूं तो आपने बोला कि क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते. अब एक एक करके मैं नाम लेता हूं, बताओ लव, कैन यू मेजर इट, कोई है क्या लव मीटर, एनीवन, किसी के पास है तो बता देना, नहीं है, लव को मेजर नहीं कर सकते. इमोशंस, कैन यू मेजर इट, नहीं ऋषभ, इस पे करेक्ट करूंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद. ठीक है, एनीवन, इमोशंस, इमोशंस मेजर कर सकते हो क्या, नहीं. ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सब चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन मास, लेंथ, टाइम, क्या इन सब चीजों को मेजर कर सकते हैं क्या, वेट, फोर्स, इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन को लिखता, मैं चाहूंगा कोई खाली हाथ ना बैठे क्लास में, समय डेढ़ घंटा दे रहे हो, इसके बाद सिर्फ इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए होना चाहिए. सब लोग एक मिनट के अंदर अपनी कॉपीज अरेंज कर लो, सब साथ साथ लिखते चलेंगे और क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे. ठीक है, कोई सुनो मत, कोई फायदा नहीं होगा, भजन है, फिर सिर्फ भजन है और कुछ नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको लिखने का भी पूरा टाइम दूंगा और क्लास किस ऑनलाइन क्लास में, मेरे क्लास में सिंपल याद रखना कि लिखना भी है. तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेट टू बी फिजिकल क्वांटिटी. मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट पॉइंट पे यूज होता है, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. क्लियर है? अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, तो याद रखिएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर किसी भी क्वांटिटी की मैं बात करूं तो उस क्वांटिटी में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एन और यू. ठीक है, ये एन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं. एन होता है क्वांटिटी और यू होता है यूनिट. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, क्वांटिटी और यूनिट. एग्जांपल लेता हूं 10 मीटर, 10 मीटर में हमारा एन क्या है, 10 मीटर में हमारा एन क्या है, 10, और मीटर क्या है हमारा, यूनिट. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एन और दूसरा होता है यूनिट्स. क्लियर, एन यू. याद रखना कि मान लीजिए मैंने इसको मेजर किया, क्वांटिटी मेजर किया किस फॉर्म में, एन यू के फॉर्म में. मान लीजिए हमने मेजर किया क्वांटिटी इक्वल्स टू एन यू. क्लियर, लेकिन क्या यूनिट बदलेंगे तो इसका लेंथ बदल जाएगा क्या, क्या इसका यूनिट बदलेंगे तो लेंथ बदलेगा क्या, नहीं. तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एनयू का वैल्यू हमेशा सेम रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत से एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा इसको. मान लीजिए मैंने बोला कि 10 kg है, मान लीजिए मैंने बोला 10 kg है, एक क्वांटिटी मैंने लिखा. अगर मैं इसको ग्राम में लिखने जाऊं तो ग्राम में कितना हो जाएगा, आपको सबको पता है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ग्राम. गौर से देखिएगा इसमें, मैंने बोला कि nu हमेशा कांस्टेंट रहता है, nu कांस्टेंट रहता है, तो ये मेरा n1 है शुरुआत में और ये मेरा u1 है, ये मेरा क्या है n2 है और ये मेरा क्या है u2 है. मतलब कि अगर हमेशा n into u कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आपको भी पता है कि n into u अगर कांस्टेंट है तो अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला घटेगा. तो बहुत क्लियर है कि हमने यूनिट को क्या किया, केजी से ग्राम में कर दिया है, यूनिट को हमने डिक्रीज कर दिया, तो नंबर्स भी क्या हो गए, इंक्रीज कर गए. क्लियर है, ये बचपन से जानते हैं, किसी चीज का यूनिट घटाओगे तो नंबर बढ़ जाएगा, यूनिट बढ़ाओगे तो नंबर घट जाएगा. सब लोग एटलीस्ट इतना एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं अगले स्लाइड में और एग्जाम्पल्स देके इसको समझाने की कोशिश करूंगा. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, नोट इट डाउन, कॉपी में एकदम बढ़िया से लिखने की आदत डालोगे, सिर्फ सुनने से क्या ही फायदा है, और जो छोटा बड़ा होगा उसके लिए स्लाइड दूंगा ही.
क्या होता है जब कॉपी लेके बैठते तो हमारी अटेंटिवनेस बढ़ जाती है. यू वेटिंग फॉर अ मिनट, आप लिख लो जल्दी से, देन विल कंटिन्यू. और मैं और इसके और भी एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा फिजिकल. यस इफ रिटन, मैं आगे बढ़ जाऊंगा. अच्छा वेट, ठीक है जो वेट करो, लिख लो और इस समझते रहे, लिखते भी रहे. डन रौनक, वेरी गुड. अच्छा गैलेक्सी A20 नाम से जुड़े हैं, काइंडली ज्वाइन विद द करेक्ट नेम. क्या होता है ना गैलेक्सी M01 कोर, काइंडली ज्वाइन विद द करेक्ट नेम. QW5KCM9PZF. Kindly join with your correct name. लिख लिया सबने? वेरी गुड वेरी गुड. उज्ज्वल आई होप लिख लिया होगा आपने. ठीक है अब आगे से थोड़ा पेस मेंटेन करके चलेंगे हम लोग. पहला स्लाइड था, चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ. अब आगे क्या बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल देख. मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमने लिया कि 1 मिलीलीटर. मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है 1 मिलीलीटर. अब मैं क्या चाहता हूं, 1 मिलीलीटर को मैं लिखूं, 1 मिलीलीटर को मैं लिखूं लीटर में लिखूं. तो मुझे लगता है पूरा क्लास इस बात से एग्री करेगा कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 0.001 लीटर. सही बात है. 1000 से डिवाइड कर देंगे. अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यूनिट. यूनिट क्या हो रहा है, मिलीलीटर से लीटर में जा रहा है. तो यूनिट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या? आप बताओ क्या यूनिट इंक्रीज कर रहा है क्या? लेकिन साथ साथ हमारा नंबर, अगर आप हमारे नंबर को देखते हैं तो ये 1 से कहां गया है, ये 1 से कहां गया है हमारा 0.01, ये डिक्रीज कर गया. तो कहने का मतलब है, याद रखिएगा कि जो n होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है. n जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है. यूनिट बढ़ाओगे नंबर घटेगा, यूनिट घटाओगे नंबर बढ़ेगा. क्या ये सबको क्लियर है? इस कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं है? जस्ट होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा अब तक. n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब देखते हैं, ऋषभ की बात को मैं लेके आना चाहता हूं. मैं ऋषभ की बात को लेकर, ऋषभ ने बोला कि सर फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ऋषभ ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं. फिजिकल क्वांटिटी जनरली उन सब चीजों को कहते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस क्या होते हैं, इस कुछ क्वांटिटी के पास नंबर तो होता है बट यूनिट्स नहीं होते हैं. सम क्वांटिटीज डोंट हैव यूनिट्स. अब मैं एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वांटिटी के यूनिट्स नहीं होती हैं. एग्जांपल याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता था क्या? पर क्वांटिटी तो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता था. आगे बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था आपने 9th में. इसका भी कोई यूनिट नहीं होता. तो मैं जनरली जो समझाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी जो होते हैं उनमें दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर, दूसरा होता है यूनिट. नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें कोई यूनिट नहीं होता है. एग्जांपल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स. एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आगे चल के बताऊंगा इसको. ठीक है, क्योंकि अभी तक हम यही दो पढ़े हुए हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग.
थोड़ा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। और कोई दिक्कत हो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। So nothing more to write. Saurabh Kumar ne haath raise kiya. Saurabh, unmute kar raha hu. Go ahead. Saurabh, unmute kar lo. Ab poocho. Sir, relative density matlab kya hota hai? Humko thoda sa explain kar dijiye na. Bata do. Koi ninth ka padha hua topic hai, bata do. Bhul gaya hoga. Relative density basically hota hai. Thoda main lik deta hu. Density of any body. Density of body by density of water. आपको इतना ही बताया गया है, लेकिन थोड़ा हायर टर्म्स में पढ़ोगे तो एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी का, एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी का, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों डेंसिटी बाय डेंसिटी होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने, चले आगे बढ़ते। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की बात करें तो बेसिकली दो ब्रॉड टाइप्स हैं। एक टाइप हमारा है स्केलर क्वांटिटी, एक टाइप हमारा है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। एक तीसरा टाइप ऑफ क्वांटिटी भी है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं इसको भी मैं ऐड कर दूंगा। अब सोचो 11 12 के सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी नाम के लिए तो याद है। टेंसर थोड़ा ट्रिकी है, टेंसर इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली दो ब्रॉड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, ठीक है। अब ये स्केलर क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी, मैं सिंपल बताओ, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक है। एंड फॉलो एलजेब्रिक एडिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई डायरेक्शन नहीं, और तीसरा क्या होता है कि फॉलो एलजेब्रिक एडिशन। अभी मैं अगर, क्योंकि एक चैप्टर हम बाद में जाके पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो अभी अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि इसका मतलब क्या है, तो दो चीजों को अगर मान लीजिए कि एक्स क्वांटिटी और वाई क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, तो भी सिंपल हम लिख सकते हैं z। कभी भी ऐड करने के लिए हम ये नहीं पूछते हैं कि x और y के बीच का एंगल क्या है। यानी अगर मैं बात करूं कि दो क्वांटिटी को ऐड करने में इफ वी डोंट रेज द क्वेश्चन कि उसके बीच का एंगल क्या है, तो उस तरह के कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई डायरेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तीसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यस, एलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, दूसरा वाला वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। यानी अगर मैं x प्लस वाई करूं, x प्लस वाई दो क्वांटिटी ऐड करूं, तो एक सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में, एक सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में, वॉट इज द एंगल, वॉट इज द एंगल बिटवीन देम, वॉट इज द एंगल, दोनों के बीच में कितना एंगल है, वॉट इज द एंगल, ठीक है। अगर ऐसा एडिशन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड हम लोग कहते हैं वेक्टर एडिशन। खैर, एक सवाल हर्ष का पूछा गया, हर्ष ये मैग्नीट्यूड क्या है? हर्ष किसी भी क्वांटिटी के स्ट्रेंथ को, क्वांटिटी जो n रिप्रेजेंट करते थे हर्ष, दैट वी कैन टर्म टू एज मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ किसी भी चीज का, ठीक है। जो हम लोग क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को हम लोग लिखते थे n इंटू यू, तो ये जो n होता है यही इसका मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है क्या? एन क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका स्ट्रेंथ होता है। हर्ष क्लियर है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मैं रिकॉल कर देता हूं, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में, डायरेक्शन दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। काव्या आपने हैंड रेस किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। काव्या गो एड,
काव्या आपको अनम्यूट कर रहा था, काइंडली अनम्यूट करें और पूछे सवाल, पर आप भी सवाल पूछो सब लोग। काव्या एनी क्वेश्चन? सर फॉर्म होता है, एक बार फिर से काव्या पूछेंगे, आपकी आवाज नहीं है सर। काव्या आपकी आवाज साफ नहीं है, एक बार फिर से पूछेंगे। अच्छा काव्या एक काम करें, आपका आवाज नहीं है, आप चैट पे डाल दो, आई विल रिप्लाई टू इट। ठीक है, आप चैट पे डाल दो, आपकी आवाज नहीं है, नेटवर्क इश्यूज की वजह से। ओके चलिए, गुलशन ने हैंड रेज किया है, गुलशन ने, गुलशन पूछिए, गो अहेड गुलशन, अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। इक्वेशन जो दिए हैं, इक्वेशन में समझ आया, इक्वेशन क्या बताना चाह रहे हैं? चलो सीधा सर समझा देता हूँ, कोई नहीं, आपको एक्स प्लस वाई वाला समझ में नहीं आया गुलशन, सही बात? यस सर। चलो समझा, अच्छा मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने बोला देखो पहले तो स्केलर वेक्टर किस बेसिस पे है, तो ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे, कि किसके पास डायरेक्शन है, किसके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास डायरेक्शन है उसको कह दिया वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको कह दिया स्केलर क्वांटिटी। बात क्लियर है? ठीक है, आता हूं मैं आपके सवाल। तो जिसके पास डायरेक्शन है उसको कहेंगे वेक्टर, जिसके पास डायरेक्शन नहीं उसको कहेंगे स्केलर। लेकिन सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट नहीं है किसी क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर कहना, उस वो ऐड कैसे होता है हम इसको भी देखते हैं। तो दो तरह का लॉ है एडिशन का, एक होता है स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। ये लाइफ में आज तक जितने भी एडिशन हमने किए हैं वो यही किया है, एल्जेब्रिक एडिशन, उसी को स्केलर एडिशन भी कहते हैं, कि सीधा सीधा नंबर को जोड़ दो बिना कुछ पूछे हुए। ठीक है, एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है विवेक? आज तक जो भी एडिशन आपने किया, 2 + 3 = 5, क्या आपने पूछा क्या कि 2 और 3 के बीच में कोई प्रॉपर्टी जानने की कोशिश की क्या, कि वो उसके बीच एंगल क्या है, कैसे होता है? बताओ विवेक, 2 + 3 = 5 होता है, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एडिशन। लेकिन अगर ये 2 और 3 वेक्टर होगा तो आपसे आपको पूछना पड़ेगा कि इसके बीच का एंगल कितना। तो याद रखना कि दो तरह के एडिशन होते हैं, स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन। जो नंबर्स होते हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, स्केलर एडिशन करते हैं, लेकिन जो वेक्टर्स होता है वो वेक्टर एडिशन करते हैं, जहां पे एड करते वक्त हमें देखना पड़ता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। इसको लेके हमारा अगला चैप्टर है वेक्टर्स, ठीक है, वहां ज्यादा बात करते हैं। तो अभी के हिसाब से आपको क्या समझ, अभी के हिसाब से समझना है डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स, ठीक है, बाकी तो ये पूरा चैप्टर हमको पढ़ना ही है अगला। तो मैं एक एक करके आता हूं, पहले स्केलर, ऐसी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और तीसरा एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन हो, और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक सवाल पूछा है गुलशन ने कि सर एक्स प्लस वाई क्या लिखा, तो मैं क्या किया, मैं कह रहा था कि x मेरा एक क्वांटिटी है, x कह रहा है, एक x कह रहा है क्वांटिटी 1 है, और y मेरा क्या है क्वांटिटी 2 है, दो क्वांटिटी को ना जोड़ रहे हैं गुलशन, अच्छा जोड़ रहे हैं, ठीक है पढ़ाऊंगा उसको, तो दो क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं। अच्छा अगर ये दोनों स्केलर होगा तो सीधा सीधा नंबर के फॉर्म में ऐड कर देंगे, लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर होगा तो हमारे मन में सवाल आना चाहिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, यही होता है स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, यही होता है वेक्टर लॉ। ठीक है, एक तीसरा क्वांटिटी भी है टेंसर, जो उज्जवल ने बोला कि सर ये भी बता दीजिए, ये टेंसर क्या होता है, टेंसर के बारे में अगर सीधा सीधा समझाऊंगा, तो ऐसी क्वांटिटी क्वांटिटी विच चेंजेस विद पोजीशन, चेंजेस विद पोजीशन, याद रखिएगा ये वो क्वांटिटीज हैं जिसको ना हम स्केलर कह पाए ना वेक्टर कह पाए, दैट वेर कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। और अभी आपको सारे क्वांटिटी जो होते हैं वो सिर्फ स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर आप टेंसर के बारे में जानो तो टेंसर बेसिकली उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो पोजिशन के साथ चेंज करते हैं। इसका बड़ा एग्जाम्पल आपको एक क्लास 11 में पढ़ना है, वो है स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक है, इवन प्रेशर को भी हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन आज तक आप प्रेशर के बारे में क्या पढ़ के आए हो, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि आपको टेंसर पढ़ना नहीं है तो हर जगह आपको स्केलर या वेक्टर के टर्म्स में चीजें दी जाएंगी। एक काम करते हैं,
अब स्केलर वेक्टर के जो भी डाउट होंगे वो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से इसको लिख लो, फिर एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे और आप बताना कि स्केलर है या वेक्टर, और मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। आई होप आपने लिख लिया होगा। अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दो है स्केलर और वेक्टर है, ब्रॉड टाइप्स है। स्केलर मतलब विदाउट डायरेक्शन, वेक्टर मतलब विद डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अरे अब जल्दी से ना, हम अगले 5-10 मिनट गेम खेलेंगे। आपको बताना है कि स्केलर है कि वेक्टर है। मैं टर्म का नाम लूंगा। पहला टर्म डिस्टेंस, बताओ क्या लिखे हैं स्केलर या वेक्टर में? डिस्टेंस। नाइन्थ के जितने क्वांट, नाइन्थ टेंथ के जितने पढ़े हुए सबको स्केलर वेक्टर में कैटेगराइज कर लूंगा। डिस्टेंस, विवेक सिंह स्केलर, कल्याणी ने हैंड रेस किया है, सॉरी काव्या ने, काव्या अनम्यूट कर रहा, काव्या बोलिए। पूरा क्लास स्केलर, स्केलर ठीक है। आप चैट में बता दो काव्या, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए सिर्फ यूज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है स्केलर पॉइंट? चलिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जल्दी, आप जल्दी जल्दी बताओ, एस और वी लिख के बताओ ना, इतना क्या दिमाग लगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड जल्दी जल्दी, स्पीड वेरी गुड, पूरा क्लास स्केलर बोल रहा है स्पीड। ठीक, वेलोसिटी, जल्दी सब रिस्पॉन्ड करो, मजा आएगा क्लास में, समझ में आएगा तो जवाब दोगे तभी तो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए, यहां पे कंफ्यूजन है, यहां पे कंफ्यूजन हो गया सबको। याद रखिएगा एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बताइए फोर्स, फोर्स, फोर्स के बारे में विवेक स्केलर कह रहे हो? नहीं विवेक, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, चलो अब मोमेंटम बताओ सब लोग, मोमेंटम बिल्कुल सही है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। इंपल्स, कोई बताएगा इंपल्स नाम सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने इंपल्स का नाम सुना है? याद करो क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स। चलिए मास बताइए, मास कैसी क्वांटिटी होगी? जल्दी से मास, मास कैसा क्वांटिटी होगा? 12-14 लोगों ने रिप्लाई किया सर, चलो वेरी गुड। नहीं विवेक, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास तो स्केलर क्वांटिटी है। वेट, वेट बताइए, वेट, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक्चुअली कुछ नहीं होता है, फोर्स ही एक टाइप का होता है, वेट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट एक कुछ नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा ये बताओ, मास हो गया, वेट हो गया, अब हमारे पास क्या आता है? वर्क, वर्क क्या होगा? जल्दी वर्क क्या होगा? अब मैं फंसाऊंगा धीरे धीरे। वर्क वेक्टर क्वांटिटी है, सब लोग बोल रहे हो भाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क का थोड़े ना कोई डायरेक्शन होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। एकदम ध्यान से देखो ये सब, वर्क जो होता है उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। बताओ एनर्जी, एनर्जी बताओ, एनर्जी भी स्केलर और पावर भी स्केलर, वर्क एनर्जी पावर सब स्केलर क्वांटिटी। चलिए चार्ज बताइए, चार्ज, चार्ज 10-10 एग्जांपल दोनों के तो मिल जाएंगे कम से कम। चार्ज काफी लोग वेक्टर कह रहे हैं, चार्ज इज अ स्केलर
क्वांटिटी, चार्ज तो हमारे अंदर की प्रॉपर्टी है, थोड़े ना डायरेक्शन होता है कोई उसका चार्ज। चलो करंट बताओ, करंट बताओ, करंट यहां पे मेजॉरिटी लोग करंट को लेके वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट या याद रखने वाली चीज होती है, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में हम बात करते हैं क्यों स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बताओ डेंसिटी, डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर, वेरी गुड, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो लास्ट बताओ एरिया, एरिया चलो दैट्स गुड, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पूरे 11th 12th में काम की चीज बता रहा हूं, ये एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये थोड़ा दिमाग में नहीं रहता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है याद रखिएगा, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होता है। एग्जांपल लो, ये मेरा एरिया है, ये एरिया होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ठीक इसके परपेंडिकुलर, क्लियर है, तो एरिया। मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स काफी हैं स्केलर वेक्टर को लेकर, चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है स्केलर वेक्टर, अभी से ही पढ़ के क्या करेंगे, जल्दी से एग्जांपल लिख लो, तो एक मिनट टाइम देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। विवेक ने पूछा, जब आके लोग लिख रहे तब तक मैं इंपल्स बता देता हूं क्या होता है। विवेक इंपल्स सुन लो क्या होता है, इंपल्स होता है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, या इसको ज्यादा फिजिकल मीनिंग में लिखते हैं इसको चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है विवेक, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये भी चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक सवाल पूछा है काव्या ने, बोला कि सर इंपल्स साइमल्टेनियसली चेंज होता है, इंस्टेंटली चेंज कह सकते हो काव्या, थोड़ा वर्ड सही होगा, इंपल्स जनरली क्या कहते हैं, इंस्टेंट चेंज होते हैं, मान लीजिए बैट से बॉल को हिट करते हैं तो अचानक बॉल के वेलोसिटी में चेंज आता है, उसको कहते हैं इंपल्स, ठीक है क्या काव्या। चलिए होप आपको स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया होगा। गुलशन ने हैंड रेज किया, गुलशन अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए। प्रदीप ने भी हैंड रेज किया, सॉरी प्रदीप मैं हैंड रेज पूछ रहा हूं सर, वेट और मास, वेट और मास में क्या डिफरेंस है? अच्छा बता दो, वेट और मास में क्या डिफरेंस है, याद रखना ये वेट क्या होता है। कई बार ना हम लोग हमने घर से घर में यूज करते हैं, अच्छा उसका वेट 40 केजी है, बोलते हो ना घर में कि मेरा वेट 40 केजी है, उसका वेट 80 केजी है, एक्चुअली वेट नहीं है आपका, वो मास है, केजी वेट का यूनिट केजी नहीं होता, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, वेट होता क्या, याद रखिएगा कि ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, तो कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी जो होती है उसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने अट्रैक्ट करता है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं वेट। किसी भी बॉडी का अर्थ के तरफ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं हम लोग वेट, यानी फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी बॉडी, इसको कहते हैं वेट। और इसका वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, मास, एम बोले तो मास और जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है। तो वेट एक तरीके का मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी क्या है फोर्स है, क्लियर है क्या, वेट एक तरीके का डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या ये क्लियर है सबको। अमृता ने हैंड रेज किया, अमृता गो अहेड। सर करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे है, उसका तो डायरेक्शन होता है, ये सब माइनस से प्लस की साइड जाती, बिल्कुल सही, मैं समझ गया आपका। अमृता ने एक बड़ा जेन्युइन सवाल, मुझे लग रहा था कि सवाल मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं बचना चाह रहा था थोड़ा सा, सोच रहा था कि सीधे वेक्टर में पढ़ाऊंगा कि वहां भी थोड़ा इंटरेस्ट लाइफ में होना चाहिए ना, लेकिन अब चलो पूछ दिया तो बताऊंगा। उज्ज्वल ने पूछ दिया है, उज्ज्वल के कुछ सवाल मैं ले लेता हूं, अमृता बाकी के उसके बाद आपके बताता हूं। उज्ज्वल ने पूछा है कि सर इंपल्स विद एन एग्जांपल रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, इंपल्स विद एन एग्जांपल रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, उज्ज्वल ने इंपल्स का एग्जांपल पूछा है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि हमने दीवार पे, उज्ज्वल देख लो जल्दी से, उज्ज्वल ने जो पूछा है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है वो यू स्पीड से चल रही है और फाइनली उसका स्पीड हो गया है वी, तो अगर फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो तो फोर्स इक्वल्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है,
तो मास इनटू क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक बात, इक्वल्स टू फोर्स होता है। तो आप खुद बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। इसको क्यों ना कहते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम, क्या इसको चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं क्या, बोलिए उज्जवल, क्या आपका डाउट क्लियर हो गया, क्या इंपल्स का एग्जाम्पल मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। सचिन ने पूछा है ग्रेविटी, बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स। सचिन मुझे लगता है कि आप कहना चाहते थे कि वेट इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, सही है क्या सचिन, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू योर पॉइंट करेक्टली, ठीक है, सचिन कुमार ने बोला था, ठीक है। अच्छा, हर्ष ने पूछा कि सर मास रिमेन सेम, हर्ष ने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि मास जो होता है वो कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम रहता है, बिल्कुल सही है, मास हमेशा सेम रहता है, लेकिन वेट हर जगह बदलता रहता है। मून पे चले जाओगे वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्लियर, स्पेस में आपका ग्रेविटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबके सवाल थे, अब करंट वाला सवाल मैं लेके आता हूँ, ठीक है। ऋषभ ने बोला है कि सर मास कैन नेवर बी जीरो, ऋषभ वैलिड पॉइंट है, मास कैन नेवर बी जीरो, लेकिन थोड़ा मैं इस पर डिसएग्री भी करता हूँ। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, लाइट का पार्टिकल होता है एक फोटोन जिसको हम लोग मासलेस मानते हैं। तो खैर इन सब चक्रों में नहीं पड़ते हैं बिकॉज मास जीरो हम माने हैं वहां, है ना। चलो एक स्टूडेंट का नाम समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं आता हूं, मैं आपको करंट वाला कंसेप्ट क्लियर करता हूं, ठीक है। करंट का जो डाउट पूछा है मैं क्लियर करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट डाउट है, ये इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, मुझे यकीन था, देखते हैं। और ये हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर ही करेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक करंट है, करंट कैरिंग वायर है, 4 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, मान लीजिए ऐसे ही बनने बना दिया, खैर मेरा इसे उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं पहले 4 एम्पियर की तरफ जाऊंगा। तो जो अमृता ने कहा था मैं उस पॉइंट को लेके आता, मुझे लगता है पूरा क्लास उनकी बात से अग्री करेगा कि 4 एम्पीयर जो करंट दिख रहा है इसके पास तो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही बात है, और इसके पास डायरेक्शन भी है, तो इसको वेक्टर कहना चाहिए, स्केलर क्यों कहें इसको, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, फिर इसको हम लोग स्केलर कह, इसको हम लोग स्केलर कैसे कह सकते हैं। अमृता एम आई करेक्टली एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट कि 4 एम्पियर के पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, देन व्हाई कैन वी से दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अमृता एक पॉइंट में पीछे लेके जाना चाहता हूँ, वेक्टर का सिर्फ दो ही चीज नहीं था, तीसरा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप मुझे बताइए कि 4 एम्पियर एक वायर में है, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 4 एम्पियर एक वायर पे है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, दूसरे वायर में 2 एम्पियर जा रहा है, मुझे कोई बता सकता है क्या तीसरे वायर में कितना करंट जा रहा है, पूरे क्लास में देख के पूछ रहा हूँ, सब लोग जानते हो इसका आंसर, 1 में 4 एम्पियर है, 2 में 2 एम्पियर है, 3 में कितना करंट जा रहा हो, कोई अंदाजा लगा सकता है क्या, चलो मैं थोड़ा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा और ट्विस्ट, थोड़ा इसको और चेंज करता हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैं थोड़ा इसको और ट्विस्ट कर देता, चलिए देखिए, चलिए फिर से मैंने 3 वायर बनाए, मैं आपको एक जगह पे लेके जाना चाहता हूं, होपफुली आप समझ पाओगे, 1, 2 और 3 वायर, ठीक है, 1, 2 का आपने अपने करंट पता है, मुझे कोई बता सकता है इस केस में तीसरे में कितना करंट होगा, जल्दी से मुझे बताओगे क्या, सब लोग पूरा क्लास डायरेक्शन देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, पूरा क्लास एक ही बात कह रहा है, सर इसका 3 एम्पियर होगा, चलो मान लेंगे लिए आपकी बात, इसका 3 एम्पियर होगा, यानी ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हो आप कि अच्छा 2 एम्पियर 3 एम्पियर मिलकर 5 एम्पियर हो गया, बोलिए क्या आप लोग यही तो नहीं कहना चाहते हो कि 2 एम्पियर + 3 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो गया 5 एम्पियर, ठीक बात, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 एम्पियर + 3 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो गया 5 एम्पियर हो गया, लेकिन मान लीजिए मैंने थोड़ा कुछ तूफानी किया, तूफानी कैसे किया, तो मैंने क्या किया कि डायरेक्शन को चेंज कर दिया,
ऐसे कर, मुझे बताइए कि अब कितना करंट होगा इसमें, अब बताइए मुझे कि कितना करंट होगा इस वायर में। सब लोग सोच के, पिछले केस में आपने बोला था 3 एम्पियर करंट होगा, अब कितना करंट होगा? पूरा क्लास कह रहे हो सेम, अभी भी 3 एम्पियर होगा। भाई जब करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या सम का, 5 एम्पियर बदल गया क्या डायरेक्शन चेंज होने से? नहीं हर्ष, हर्ष वायर में तो करंट उतना ही जाएगा ना, टेंथ में भी पढ़ा होगा वायर का डायरेक्शन देखते थे क्या? कभी भी करंट के लिए वायर का डायरेक्शन थोड़े ना देखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या था कि ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर को किसी भी डायरेक्शन में रख दें, किसी भी डायरेक्शन रख दें, मैग्नीट्यूड में बदल, टोटल सम में फर्क पड़ रहा है क्या? 2 + 3 हमेशा 5 ही हो रहा है। ये स्केलर की प्रॉपर्टी है, ये एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है, ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। यही समझाना चाहता था कि ये जो क्वांटिटी है करंट, ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर एडिशन फॉलो करता है। क्या क्लियर है सबको? कि तो अच्छा 2 है 3 है, ऐसे सम कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ऐसे भी कर दे तो 5 ही हो रहा है, ऐसे भी कर दे तो 5 ही हो रहा है। तो एंगल का कोई फर्क है क्या? कोई फर्क ही नहीं एंगल का। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऋषभ ने हैंडल्स किया, ऋषभ अनम्यूट कर रहा हूं, चलो पूछो ऋषभ। सर सर क्लास 10th में पढ़े थे क्या सर, जो करंट होता है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है? ठीक बात, सही बात, सही बात। तो इसके लिए सर ये एक बात और बताओ श्री साहब, अनम्यूट रखना थोड़ा देर। अच्छा करंट का डायरेक्शन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वायर का डायरेक्शन क्या होगा, करंट कोई अपना, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि करंट के पास कोई अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है? जो वायर का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। करंट के पास करंट चलो फ्लो करता है, पर किसी ना किसी वायर में तो फ्लो करता है। अगर वायर का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा क्या? इसीलिए कह सकते हैं कि करंट के पास कोई अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, वो वही होता है जो वायर का डायरेक्शन होता है। इसीलिए करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। दूसरा रीजन तो लॉ ऑफ एडिशन वाला है हमारे पास। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि करंट में हमने डायरेक्शन पढ़ा था लेकिन वो वायर के अलोंग होता है, बस इतना ही है करंट। चलिए अब थोड़ा हम लोग आई थिंक आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको स्केलर वेक्टर तो बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब एक नए क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बड़ा काम का है जिसपे हमें सवाल करने हैं थोड़े से। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्शन के बेसिस पे 2 पार्ट में किया गया और डिपेंडेंसी के बेसिस पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसा नाम, क्या नाम दिया हमने? एक नाम दिया हमने फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, और दूसरा नाम दिया हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहा है? हमने देखा कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, यानी इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने नाम दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा। लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज किसने नाम दिया? तो एक संस्था है पूरे वर्ल्ड की जो यूनिट्स डिसाइड करती है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को आप लोग SI यूनिट के नाम से भी जानते हो। उसके नाम हर 5-5 साल पे बदलते रहते हैं, वो अलग बात है, इन जनरल वर्ड में हम लोग याद रखते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही डिसाइड करता है कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल होगी और कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड होगी। तो मैं बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं लेंथ और टाइम, क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? क्या नहीं है? लेंथ और टाइम के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं साथ में एक मास लेके चला हूं, मास, तो मास और टाइम का कोई रिलेशनशिप है क्या? कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगला मैं मान लीजिए कि मोल लेके चला हूं, मोल, मोल पढ़ा होगा आपने, मोल के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में क्लास 9th में, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब मोल और टाइम का कोई रिलेशनशिप है क्या? तो इस तरीके से हमने कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन, नंबर गलत दिखा रहा हूं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिफाइन। ठीक है, और ये आज तक इसी 7 क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं, और आज के बाद कभी भी भूलना नहीं है इसको, ये आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाना चाहिए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज,
ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं साथ में फंडामेंटल क्वांटिटी लिखवाता हूँ जल्दी से. These physical quantities are independent and do not depend upon other physical quantities. ठीक है, और अभी हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा जहां हम क्वेश्चंस करेंगे, और इसी पार्ट पे बेस्ड हमारा पूरा आगे का लेक्चर चलेगा, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट. अभी तक तो बेसिक्स है, और जो पढ़ाया है अभी तक वो मुझे वेक्टर में पढ़ाना ही पड़ेगा, बाकी अभी बिल्कुल फ्रेश है. जल्दी लिख लो. चलिए अब देखते हैं अपने सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को. ठीक है, देखो ये सात फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके एसआई यूनिट्स हमने दे दिए और सिंबल विंबल सब कुछ. ठीक है, देख लेते हैं. सबसे पहला जो क्वांटिटी होता है वो होता है मास. अच्छा, इसके बारे में आप जानते हो, मास के बारे में आप जानते हो. ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है. ठीक है, किलोग्राम. लेंथ का क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर. टाइम का कितना होता है, सेकंड. मास, लेंथ, टाइम, ये यूनिट भी याद रखना. अगला करंट, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद रखिएगा. करंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो करंट के बारे में. करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर. अगला टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और ये भी एक तरीके का फंडामेंटल यूनिट होता है. अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हो. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल भी कहते हैं, मोल. क्लियर है, तो छह फंडामेंटल क्वांटिटीज आप पहले पढ़ चुके हो और इलेवेंथ में भी पढ़ना है. ये सातवां फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना है. ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, याद रखिएगा. ये लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इसको. इसका यूनिट होता है कैंडेला. ये हमारे ट्वेल्थ तक के सिलेबस में कहीं भी नहीं आएगा. क्लियर है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी. क्या क्लियर है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, ये मेरे सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. जल्दी से इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को नोट डाउन कर लेते हैं. आज के बाद याद रखना है कि कुल दुनिया में सात क्वांटिटीज को हमने माना है फंडामेंटल क्वांटिटीज. वैसे आपके डाउट्स अगर कुछ रह गए हो तो टेंशन मत लो, आखिरी के टाइम में भी हम टाइम देंगे आपको, आखिरी वक्त 10 मिनट में, कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. वन मिनट मोर, काफी है, इतना टेबल वेबल नहीं, आप सिंपल वर्ड्स में भी समझा बना सकते हो नॉर्मल. विवेक ने पूछा है टाइम स्केलर या वेक्टर, कोई बताएगा मुझे, विवेक का सवाल है, जल्दी से रिप्लाई करोगे, टाइम स्केलर है कि वेक्टर. स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, टाइम का कहाँ ही डायरेक्शन लेते हैं हम, टाइम स्केलर क्वांटिटी. चलो हो गया, चलो सबने लिख लिया, विवेक ने हैंड रेस किया है. विवेक, चलो विवेक कुछ बोलना चाहता है, विवेक बोलो. सर ऐसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो भी है वो स्केलर क्वांटिटी ही होगा, क्योंकि मास, लेंथ और करंट जितना भी है स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है. देखो मैं विवेक, मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि वैसे तो आपकी बात सही है क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ऐसा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, दोनों अलग अलग बेसिस का ही क्लासिफिकेशन, तो हम ये कहना गलत होगा कि
होना ही चाहिए, है वो फैक्ट है, ये दो सब स्केलर है, ये फैक्ट है, ठीक है, ये होना ही चाहिए, मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ, ठीक है वे? चलिए आगे बढ़ो, आई थिंक लेट्स मूव टू आवर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जहां से अपने को थोड़ा सा अपनी मेहनत करनी है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल हमने कुल मिला के 7 क्वांटिटीज मान ली, ठीक है। अच्छा एक काव्या ने एक सवाल पूछा, मैं उसको जवाब दे दूं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, याद रखना काव्या सत्यम, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक नया हम यूनिट लेके आए थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेकिन एक्चुअली में इसके बाद आफ्टर मल्टीपल डेवलपमेंट्स ये इंटेंसिटी का यूनिट अब नहीं यूज करते हैं, ऑलमोस्ट इसको बंद कर दिया। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। गुलशन ने हैंड रेज किया है, गुलशन पूछो, गुलशन गो अहेड, गुलशन आस्क। इंटेंसिटी का मतलब स्पीड हो रहा है ना? इंटेंसिटी का मतलब होता है, अगर इंटेंसिटी का मतलब होता है तो अभी के सिंपल वर्ड्स में इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्लियर। एनर्जी का होता है ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, लाइट वेट चैप्टर में जाके आगे पढ़ोगे उसको, ठीक है, इसको लेके इतना हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं। अच्छा ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, और उसके यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, क्लियर है, एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, क्लियर है। तो एग्जांपल लेते हैं, अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, वो 7 है, उन 7 क्वांटिटी से जितनी क्वांटिटी बनेगी उनको डिराइव कहेंगे। मतलब क्या है कि आज के बाद अब जितनी भी अदर क्वांटिटीज पढ़ोगे सब क्या है, डिराइव, वो सब फंडामेंटल से ही बना हुआ होगा, कोई नया तो आएगा नहीं किसी के। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने वॉल्यूम लिया, क्या वॉल्यूम को छोड़ो, मान लीजिए हमने डेंसिटी लिया, ये डेंसिटी को अगर हमने लिया तो डेंसिटी किससे बना है, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या मीटर क्यूब होता है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये मास अपॉन लेंथ का होल क्यूब है। वॉल्यूम किसके किससे बना है, लेंथ के होल क्यूब से बना है, तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी मेरा किससे बना है, मास और लेंथ से बना है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, अब आप खुद जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मतलब ये क्या है, एक तरीके का हमारा लेंथ है बाय टाइम, तो वेलोसिटी किससे बना है, लेंथ और टाइम से बना है। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि जितने भी आज के बाद आप क्वांटिटीज की बात करोगे वो सब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हैं। कुछ एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पे हैं और कुछ एग्जांपल्स हम अभी करने वाले हैं। पहला एग्जांपल एरिया, एरिया किससे बना है, मीटर स्क्वायर होता है तो लेंथ इनटू लेंथ, क्लियर है। वॉल्यूम किससे बना है, तो लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। डेंसिटी किससे बना है, मास लेंथ 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 का क्यूब, क्लियर है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन की बात करूं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी खुद क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्लियर है। ये होता है मेरा, ये होता है मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी। मैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाता हूं। अब देखो हमारा मकसद क्या होगा, हमारा मकसद होगा कि जितने भी क्वांटिटीज हैं सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं ये एग्जाम्पल, बाद में आप चार्ट बना लेना, इससे कोई खास फायदा जरूरत नहीं। ये पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मोमेंटम, सब लोग ट्राई करें इसको, मोमेंटम को कैसे लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म, मास लेंथ टाइम करंट इन टर्म्स में लिखना है आपने। एवरीवन ट्राई दिस आउट, सब लोग ट्राई करें, यही 2-3 स्लाइड्स में अपने को सीखना है। मोमेंटम क्रिश आपका यूनिट सही है, फॉर्मूला सही है, मंजीत आपका, ऋषभ आपका फॉर्मूला सही है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि
इसको फंडामेंटल क्वांटिटी, सनी ने बहुत अच्छा लिखा है, मास इनटू लेंथ बाय टाइम, बिल्कुल सही है सनी। मैं चाहता हूं कि हर क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखिएगा। वो सारी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती है उनको डिराइव्ड क्वांटिटी। प्रफुल क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे लगता है सबको पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, कोई बात नहीं, अगर मैं मास को लिखने जाऊं तो मास एम, तो एम बोले तो कितना है, मास है, मास है, और वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी कितना होता है, लेंथ अपॉन। कभी मेरा आवाज कम आ रहा है क्या, एम आई नॉट ऑडिबल? एम आई क्लियर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक क्लियर है आपका, भैया थोड़ा सा शॉर्ट, आप एक स्पीक हेडफोन लगा लो शायद ठीक होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का क्या हो गया, मास इनटू लेंथ बाय टाइम। इसको हम लोग अगर यूनिट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, मास का क्या लिखेंगे केजी, लेंथ का क्या लिखेंगे मीटर, टाइम का क्या लिखेंगे सेकंड। चलिए फोर्स का बताइए सब लोग, सब लोग फोर्स का बताइए, फोर्स का क्या लिखिएगा, फोर्स, फोर्स का फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में क्या लिखेंगे, जल्दी फोर्स, वेरी गुड सनी, एक्सेलेंट। अमृत आपने उसको यूनिट में तो लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में उससे बना सकते हो आप। दो चीजें लिखनी है अपने को, दो काम करना है अपने को, एक काम कर, अपने को एक काम करना है कुछ, एक लिखना है फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, दूसरा फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। ये फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिख रहे हैं, दोनों काम हमें करना है। वो तो फॉर्मूला होता है भाई, वो तो सत्यन फॉर्मूला आपने लिखा है, वो तो फॉर्मूला नहीं, मुझे दो चीजें चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में और फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, कोई दोनों चीजें चाहिए अपने। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन है, अब दे देखिए एम बोले तो मास तो हो जाएगा मास। अच्छा एक्सेलरेशन का अभी अभी क्या देखा था, लेंथ अपॉन टाइम का होल स्क्वायर आया था क्या, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। नहीं श्रेयांश, श्रेयांश किस तरीके से लिख रहा है, मास इंटू, ये आप सही लिख रहे हो, फॉर्मूला सही लिख रहे हो, मैं बस चाहता हूं कि इसका फंडामेंटल क्वांटिटी के, डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ। ठीक है, अब मास की जगह क्या लिख सकते हो आप, केजी, लेंथ क्या लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको मैं, आपको मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं ये आपको आता है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, बस एक सोचने का तरीका बताना चाह रहा हूं कि हर डिराइव्ड क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं पहली चीज, और फंडामेंटल यूनिट में भी लिख सकते हैं। अब इसी को आप जा करके शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन कह देते हो, फोर्स का यूनिट क्या कहते हो आप, न्यूटन, इसी को तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को या बाद में जाके न्यूटन कह देते हो। ठीक है, क्या सबको ये दोनों क्लियर है? अगर क्लियर, देखो फॉर्मूला तुमको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ये खासियत है इस चैप्टर की। ठीक है श्रेयांश, फुली समझ में आ गया होगा? तीसरा वर्क, सब लोग बताइए वर्क क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला याद करिए। सब लोग वर्क का फॉर्मूला याद करें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अननोन नेम है आपका QW5K, बिल्कुल सही है। अब आप लोग उसको ब्रेक करें। गुलशन नहीं, गुलशन वो तो मोमेंटम बाई टाइम में होगा, गुलशन
ये p into t के लिए, अच्छा पावर इंटू टाइम लिख रहे हो, अच्छा ठीक है p बोले तो पावर कह रहे हो, ठीक है पावर जाओगे और मेहनत करनी पड़ेगी। सनी ने कहा है जो दिया आंसर वो बिल्कुल सही है सनी, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाई टाइम का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है श्रेयांश, एक्सेलेंट, वेरी गुड, समझ गया तुम अब पूरी तरह से, ठीक है वेरी गुड एक्सेलेंट। दो लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है अभी तक। अमृता ट्राई करें, अभय, अमृत, अंशु, अर्णव, अमृत ठीक कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दिया। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मान लो मैं फोर्स भी नहीं जानता, भूल गया हूं, फोर्स क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में ब्रेक कर दिया। मास को क्या लिखते हैं हम जानते हैं, मैं पहले यूनिट लिखूंगा, मैं पहले काम करता हूँ यूनिट लिख देता हूँ, मैं पहले यूनिट लिख देता हूँ, मास का कितना होता है केजी, ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है मीटर, तो कितना बन गया वर्क का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने पहले क्या लिख दिया, फंडामेंटल यूनिट्स में ही लिख दिया, अब मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखता हूं, केजी का क्या होगा मास, मीटर स्क्वायर कितना होगा लेंथ का होल स्क्वायर, बाई क्या हो जाएगा, क्या क्लियर है सबको, क्या सबको क्लियर है, कहीं भी डाउट है तो हैंड रेज करो, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सीख के जाना है अपने को, सीखना है अपने को, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ऋषभ ने हैंड रेज किया, ऋषभ अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार मुझे बताना कि क्या दिक्कत आ रही है। सर इसको एक बार और से वर्ड को बता दो। ऋषभ एक बार थोड़ा तेज बोल सकते हो क्या, ऋषभ आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, सर एक बार और फिर से बता दीजिए वर्क को। वर्क वाला की कोई नया बताऊं? नहीं सर वर्क वाला ठीक चलो। चल क्या हुआ कि वर्क का ना मुझे फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि आपको भी हो सकता है फॉर्मूला याद नहीं हो, आपको तो याद हो मुझे तो याद नहीं रहता है, तो मैंने क्या लिखा कि चलो वर्क का फॉर्मूला सिंपल लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक बात लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का तो जानते ही है ना, फोर्स का तो हम जानते हैं ना कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू क्या था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का तो जानते हो ना क्या होता है, मास का क्या होता है केजी, ठीक। अच्छा एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, बोलिए क्लियर है क्या ऋषभ, ऋषभ क्लियर है, तो मैंने क्या किया कि ब्रेक इतना कर दिया कि हमको पता हो उसका। अच्छा ये पूरा मिल करके गैप बन गया फंडामेंटल यूनिट, इसी को तो आप कहते थे नया नाम से जूल, शॉर्ट में लिखने की अपने को आदत होगी, जूल कुछ नहीं है इसी का शॉर्ट फॉर्म है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म, तो क्या कहते हैं हम लोग जूल कहते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास फंडामेंटल यूनिट में भी आ गया तो उसको क्वांटिटी समझ सकते हैं। अच्छा ये मान लीजिए कि केजी किसका होता है मास का होता है, मीटर किसका होता है लेंथ का होता है, सेकंड किसका होता है टाइम का होता है, तो क्वांटिटी से यूनिट बना सकते हैं, तो यूनिट से भी तो क्वांटिटी बना सकते हैं। चलो सब लोग पावर ट्राई करो, देखता हूं आप कितने जल्दी सीख रहे हो पावर। श्रेयांश सही है, बिल्कुल सही है, उज्ज्वल, विवेक वेरी गुड, मुझे लगता है आप लोगों ने टाइम यूटिलाइज कर लिया। अंशु फॉर्मूला सही है, अंशु फॉर्मूला सही है, मुझे लगता है आप तुरंत आंसर आ जाएगा आपको। फॉर्मूला सही है आपका, आपका इतना बड़ा जो नाम है आप उसको थोड़ा शॉर्ट करके ऐसा अच्छा नाम रखो, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा आपका, QW5C5KCM9PZ इतना नाम ले लो क्यों, छोटा नाम अच्छे से रख देते, इतना अच्छा आंसर दियो है ना। चलो मास लेंस का मुझे अर्णव गलत हो गया थोड़ा सा, मुझे लगता है आपने छोड़ दिया लगता है कुछ लिखना, अर्णव आपने कुछ लिखना भूल तो नहीं गया, देख लो एक बार अर्णव। सुहानी, सुहानी बिल्कुल सही था फॉर्मूला आपका, अर्णव मुझे क्या डाउट है ना कि आपका मिस हो गया क्यों, चलो अब मैं देखता हूं, अब आप लोगों ने काम कर लिया मैं थोड़ा कर लेता हूं काम। पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन, ठीक वर्क डन अपॉन टाइम, फिर भूल गया वर्क डन का, मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरे को, तो भूल गया तो मैं फिर से क्या लिखूंगा,
वर्कडन क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। मैं यूनिटी बना लेता हूँ, सबसे आसान क्या होता है ना बड़े बड़े में यूनिट बना लेता हूँ। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है केजी, अभी अभी देखा है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, और टाइम क्या होता है सेकंड। तो अगर गौर से देखें तो क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब, क्लियर है। अगर इसको देखें पावर का देखें तो क्या होता है, मास लेंथ का होल स्क्वायर बाय टाइम का होल क्यूब। इज इट क्लियर, क्या इज इट क्लियर, क्या क्लियर है सबको, ये आपका फंडामेंटल। इसी को नाम आपके पता है क्या दे देते हो, इसी को नाम देते हो वॉट। पढ़ा था ना पावर का यूनिट वॉट, इतना हम लोग यूज करते थे क्लास टेंथ में पावर। इसी पूरे बड़े फॉर्मूले को शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग वॉट, ठीक है। तो शॉर्टकट से बचना है, शॉर्टकट अभी हमें नहीं चाहिए इस चैप्टर में, हम पूरे यूनिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए होपफुली सबको पावर समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी 90% लोगों ने तो सही आंसर दिया पहले, ठीक है। अगला है रेजिस्टेंस, देखते हैं ये किससे बनता है। हाँ मंजेश सॉल्व करना पड़ेगा, वहां तक तो कहानी ठीक है आपकी उज्ज्वल, कहानी तो आपने भी ठीक दिया है, अब आंसर चाहिए मुझे, कहानी ठीक लग रहा है मुझे, ठीक लग रहा है, देख लेते हैं। नहीं ये थोड़ा मेहनत करना है भाई, ये तो थोड़ा मेहनत करना है आपको, इतना भी नहीं है। देखो जो लिखना लिखो गुलशन, लेकिन अब फाइनल बनाना पड़ेगा। रो लिख दिया गुलशन, अच्छा आपने गुलशन खुद बताओ कि आपने रो लिख दिया, ये तो और मेहनत बढ़ गई ना, रो लिखने की वजह से आपकी मेहनत तो बढ़ गई। आपको देखो यूनिट बनाना है, यूनिट के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना चाहिए जो थोड़ा आसान हो। और कई लोगों ने मुझे एक बड़ा बढ़िया फॉर्मूला भी दिया ऐसा, जिसमें आपको बाकी चीजें थोड़ी पता हो। उज्ज्वल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, ठीक है ना मुझे उज्ज्वल, ना ए तो होता नहीं है ना फंडामेंटल यूनिट्स में, उज्ज्वल ए तो फंडामेंटल यूनिट्स में होगा नहीं, तो उसको ठीक कर लो। याद रखना करंट को हम लोग आई से शो करते हैं, सब लोग करंट को आई से शो करेंगे, ए लिखा हुआ मिल जाए कहीं कहीं फिर भी ठीक है, बट आई से यूज करेंगे करंट को। थोड़ा मैं आपको हेल्प देता हूँ, आपको लग रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पहले इसकी दिक्कत दूर करते हैं आपकी, ठीक है। बिल्कुल सही हर्ष ने बहुत सही एडवाइस दिया कि सर वी बाई आई में जाएंगे तो वी रुलाएगा, वी बाई आई में अगर जाएंगे तो वी रुलाएगा, और रो एल बाई ए में जाएंगे तो रो नहीं पता है अपने को, कौन सा यूनिट करे। हाँ ऐसा यूनिट तो ओम होता है मंजेश, शॉर्ट में, ठीक है, हम तो लॉन्ग में जा रहे हैं। अब चलो देखते हैं रेजिस्टेंस की बात कर, तो रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला आता है वो आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, याद है ना टेंथ में, आई स्क्वायर आर टी। तो बोलिए आर इक्वल टू लिख सकते हैं हीट अपॉन आई स्क्वायर आर, कोई तकलीफ है क्या, बोलिए H बाई आई स्क्वायर आर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है H बाई आई स्क्वायर आर। अच्छा ये H क्या है, H बोले तो एनर्जी, H बोले तो एनर्जी है, ठीक है एनर्जी है, तो एनर्जी को लेकर के हम क्या लिख सकते हैं, फिर से वही वर्क वाला लिख सकते हैं। गुलशन ने हैंड रेस किया है, गुलशन पूछो, गुलशन गो अहेड। वहां सर R बराबर H बटा आई स्क्वायर टी होना चाहिए। हाँ टी होना चाहिए, ठीक है चल हो गया। चलो एच एनर्जी है, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो इतने देर हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वर्क का निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि चलो हमको पता है, नहीं पता होगा तो एनर्जी का कोई भी निकाल लेना, हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लेना, एम जी एच से निकाल लेना, एनर्जी मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लोगे, ठीक।
अब आई स्क्वायर तो करंट है, तो करंट को हम लोग जनरली लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं इसका एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर का होल स्क्वायर। अच्छा ये एक सेकंड बताओ, ये क्या लिख रहा हूं मैं, आई स्क्वायर टी है, ठीक है, आई स्क्वायर टी है, चलो, और टाइम का क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या बन गया, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब और एम्पियर का होल स्क्वायर। क्या यही सबको आया था क्या, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर का होल स्क्वायर। जल्दी से देखते हैं इसको, मैं क्या लिखूंगा, के जी क्या लिखूंगा, मास, लेंथ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का होल क्यूब, हाँ यही है सबका, और करंट का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, बोलिए किसी को कोई तकलीफ है क्या इसमें। चलो काइनेटिक एनर्जी अब नहीं कराता हूं, अब काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी नहीं लगाऊंगा, फिर आपसे बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी निकालने को, आप हाफ एमवी स्क्वायर करके निकालोगे, ठीक है। सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि नहीं मुझे बताओ, एटलीस्ट रेज योर हैंड्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितने लोग को याद है, अच्छा कर लो ना, इतना टाइम क्यों हम लोग लगा रहे हैं, कर लो जल्दी से, इसमें सिर्फ एक मिनट टाइम दूंगा। ये चार मेरे पास क्विक टेस्ट है, मेरे पास चार क्विक टेस्ट है, उसको करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, पोलिंग करूंगा, मुझे उस पर ज्यादा इंटरेस्ट है। हमारे पास पांच मिनट बच रहा है अभी, बिल्कुल सही है। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये ऐसे, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, सॉल्व करें ना सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें, हाफ एम बी स्क्वायर, ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता हूं इसमें। देखो हाफ का तो कुछ होता नहीं है यूनिट, देखो हाफ का तो कुछ होता नहीं है, एम बोले तो मास, मास का यूनिट क्या होता है, के जी, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। कितना बन गया, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वही वर्क वाला है, वर्क वाला है, हो जाएगा ना। तो हाफ का कुछ होता नहीं है, अगर मुझे कोई लिखने को बोले केजी का बोले तो क्या लिखेंगे, मास, लेंथ का होल स्क्वायर बाय टाइम का होल स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म करें, ये कर चुके थे हम लोग वर्क में, क्या कुछ नया थोड़ी ना करो। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं आंसर भी नहीं देगा हर्ष, हाफ का कोई रोल नहीं है यूनिट्स में, नंबर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है हर्ष, तो रिलैक्स रहे नंबर को लेके। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं चार क्विक टेस्ट कराऊंगा, तीन मिनट बाकी हमारे पास, ठीक है, मैं आपको पोल लॉन्च कर रहा हूं, आपको पोल पे रिप्लाई करना है, मैं पोल लॉन्च करूंगा, और सबको याद होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है, जो आपको पूरे पूरे दो साल काम आने वाला है, वो क्लास कोई मिस नहीं करेंगे, एक मिनट भी नहीं उसका। चलो चार्ज का यूनिट, हमारे पास सात रिप्लाई आ चुके हैं, आठ यार और चाहिए। तीन मोर, I've got 17 replies, लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ 6 लोगों का आंसर सही आया है, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, चलो स्टिल मेजोरिटी ने गलत सही आंसर, मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, सब लोग देखें, 6 लोगों ने सी कहा है, 5 ने बी कहा है, 4 ने ए कहा है, 2 ने डी कहा है, देखते हैं। अच्छा ये चार्ज होता क्या है, थोड़ा याद कर लो, याद करो Q by T equals to क्या होता था, करंट होता था, तो Q equals to क्या होता था, I into T होता था, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो क्या ये एम्पियर into सेकंड नहीं होगा, काव्या, मंजेश समझ में आया क्या, उज्ज्वल वेग समझ में आया क्या,
बोलिए से यस इफ इट्स क्लियर देन वी कैन मूव अहेड ठीक है काव्या आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है बेसिकली क्या होगा एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा करंट का एम्पियर होता है चार्ज का होता है एम्पियर इंटू सेकेंड जिसको हम लोग बाद में और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कूलम भी कहते हैं इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलम भी कहते हैं चार्ज का यूनिट चलिए अगला क्विक टेस्ट जल्दी से फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं देखते हैं ये तो आसान है आज क्लास में बताया था इसमें डिस्कशन करने की जरूरत है क्या I've got 14 replies only 15 last 20 seconds I've got 17 replies baki log 20 got 20 replies chalo 21 replies to abhi main 14 लोगों ने कहा कि नन ऑफ दिस बिल्कुल सही क्योंकि कोई यूनिट ही नहीं होता है नो यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था याद कीजिए सी बाई वी नो यूनिट कोई यूनिट नहीं होता था ठीक है फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं थर्ड क्विक टेस्ट जल्दी ये थोड़ा मेहनत करने वाला है ये थोड़ा मेहनत करने वाला है देखते कौन जल्दी कर पाता है इसको अपने लिए आसान फॉर्मूला ढूंढ लो बस खाली तुम मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं बेटर होगा पोल लॉन्च कर देता हूं वुड बी मच बेटर रिप्लाई ऑन पोल विल हार्डली पुश आवर क्लास टू वन टू टू थ्री मिनट्स मोर हमारे पास एक क्विक टेस्ट और बच रहा है फिर बस हो गया खत्म आई गॉट 7 रिप्लाइज Get up. सोचो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सीधा सीधा याद है वोल्ट सोचो कितना खराब यूनिट है उसका अगर ऐसे पढ़ना पड़ जाए तो कितनी तकलीफ होगी पर काम की चीज यही है So I've got 14 replies. अच्छा ये आपको मैं अगर आपकी जगह रहता तो फॉर्मूला कौन सा यूज करता तो मैं यूज करता H equals to VIT. क्या आप लोग भी ये यूज कर रहे हो क्या H equals to VIT? सही यस और नो कि आपने लगा दिया पूरा वो मेहनत वाला काम मैं तो आपके जगह रहता तो लिखता H by IT. मैं तो आपके जगह रहता तो H by IT लिखता अच्छा H का हम जानते हैं क्या होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये तुमको याद हो जाना चाहिए एनर्जी वाला बाई ये क्या होता है एम्पियर इनटू सेकेंड तो मिला जुला करके कितना बन गया केजी मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर इनटू सेकेंड का होल क्यूब कौन सा ऑप्शन होगा हाँ उज्जवल आपको पता था ना एग्जाम में थोड़ा ना पता रहेगा हर्ष कह रहा है कि सर आईआर नहीं लिख देते बिल्कुल लिख देते लेकिन क्योंकि आपके कॉपी में तुरंत का रेजिस्टेंस सॉल्व किया हुआ इसलिए ना एग्जाम में थोड़े ना रेजिस्टेंस याद रहेगा भी प्रैक्टिकल थोड़ा अपने को एग्जाम में सिर्फ दिमाग लेके जाना है और कोई टूल लेके नहीं जाना है ठीक है तो कौन सा ऑप्शन होगा केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड क्यूब ए सिर्फ 5 लोगों ने सही आंसर दिया था ठीक है बट कोई बात नहीं हम सीख रहे हैं अभी इसको ठीक है विवेक हैंड रेस किया हुआ है स्टिल एनी डाउट तो बता देना मुझे आई जस्ट होप कि ये क्लियर हो गया होगा सबको अगला लास्ट ये बता दो इसी के साथ आज की कहानी समाप्त करेंगे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये देखते हैं कितने लोगों को याद है ये फॉर्मूला रेपिटेशन का इजी है ज्यादा नहीं कुछ थोड़ा थोड़ा 30 सेकंड अपने को रिलैक्स करके सोचो कहां से आएगा इसका
मेरे पास अभी तक 12 रिप्लाईज आ चुके हैं, मेजॉरिटी मुझे लग रहा है सही जा रहे हैं, 14 रिप्लाईज स्टिल, 50% रिप्लाई आ चुके हैं, बट स्टिल 2-3 और रिप्लाई आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे तो पहले ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला कहां से आ रहा है, F equals to G M1 M2 upon R square, याद आ रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये G का वैल्यू क्या आता था, ये तो हमने मेहनत भी किया था थोड़ा सा, F into R square by M1 into M2, ये तो क्लास 9 में करवाया गया था आपको मेहनत। चलिए देखते हैं फोर्स का क्या होता था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी का होल स्क्वायर, पूरा यूनिट देखते हैं कितना हो जा रहा है, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर केजी का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मीटर क्यूब, पहले तो किसमें है, ए और डी में ही है, सिर्फ ए और डी में ही, पर केजी सेकेंड स्क्वायर, पर केजी सेकेंड स्क्वायर, केजी स्क्वायर नहीं, पर केजी सेकेंड स्क्वायर, कौन सा हो रहा है, ए आ रहा है क्या। मेजॉरिटी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, क्या सबको आया समझ में आज की क्लास का, क्या सबको आया समझ में। आई जस्ट होप कि आज हमने बहुत बेसिक से शुरुआत की है, हम इसी को इसी पे हम लोग बिल्ड करेंगे अपने पूरे चैप्टर, यही जो आज हमने पढ़ा यही बेसिक्स है जिसपे पूरा चैप्टर बिल्ड होगा। हर डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना, दैट्स द बेसिक्स, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा क्लास, हम लोग अपने अगले क्लास के लिए प्रिपेयर होते हैं। एंडिंग द क्लास ऑन दिस नोट, होप वी मीट इन नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम आगे बात करेंगे इस पर। होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास, तो क्लास में मजा आया होगा, पसंद आया होगा क्लास, और आप इसको कॉपी में पेन डाउन करो, कुछ भी आपने 1.5 घंटा जो अपना समय दिया है वो आपके प्रॉपर पैटर्न नोट्स में होना चाहिए बच्चों। आप एक करियर के नए जंक्शन पे जा रहे हो, आप एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। उज्जवल PDF वगैरह सब कुछ आपके उस लिंक्स में अपलोडेड रहेंगे, ठीक है, PDF प्लस वीडियो सब कुछ रहेगा आपके, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल फाइंड द वीडियो, ठीक है। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे, ठीक, ओके, बाय बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। Yeah, if anyone want to ask anything, you can go ahead and ask. Otherwise, I'm ending the recording at least.